सब काम हो रहा है। जय गुरु जी। उस समय हम लोगों की पोजीशन ऐसे हो गई थी जैसे कि एक डूबता हुआ सूरज होता है, एक डूबती हुई नाव होती है, वो सिचुएशन हमारी चल रही थी। प्रोफेशन वाइज, हेल्थ वाइज, हम लोग एकदम डूब चुके थे। और ऐसे में गुरुजी का बुलावा हमें 3 साल से आ रहा था, लेकिन हर बार हम ये सोचकर कि हम किसी और गुरुजी को मानते हैं तो हम क्यों जाएं, और हम साईं बाबा को मानते हैं तो हम क्यों जाएं। ये इफ बट में हमने अपने 3 साल वेस्ट कर दिए। लेकिन वो कहते हैं ना कि जब समय लिखा होता है कि आपको गुरु मिलने हैं, आपको भगवान मिलने हैं, पूर्व जन्म के जब बीज अंकुरित होते हैं तो हमें गुरु के दर्शन होते हैं, संपूर्ण गुरु मिलता है, और वही मेरे जीवन में हुआ। वो आंटी जो मेरे को सत्संग सुनाती थी गुरु जी के, वो 3 साल तक रेगुलर मुझे सत्संग सुनाते रहे। तो एक दिन मेरे को मन में बहुत शर्मिंदगी हुई कि वो बेचारे 3 साल से सत्संग सुनाए जा रहे हैं अपने गुरु जी के, और उनके दिल को रखने के लिए, उनको खुश करने के लिए मुझे एक बार उन महापुरुष के दर्शन कर लेने चाहिए। अब हम क्यों नहीं जा रहे थे, और मैंने मेरे अंकल को मनाना बहुत मुश्किल था गुरुजी के पास ले जाना, क्योंकि मैंने उनसे खुद ही प्रॉमिस किया था। हम सब बाबाओं और ज्योतिषों के चक्कर काट चुके थे, और सब लोगों ने हमें इतना लूटा था कि हम लोग अब किसी और बाबा को नहीं फेस करना चाहते थे। तो मैंने ही अपने हस्बैंड से ये प्रॉमिस लिया था कि मैं किसी बाबा के पास आज के बाद नहीं जाऊंगी, आपने जाना है तो जाओ। लेकिन जब नूतन के गुरुजी के पास जाना था तो मेरे को लगा कि मैंने कैसे मनाऊं, खुद ही प्रॉमिस लिया था, खुद ही तोड़ रही हूँ। तो मैंने इनको बोला कि आज मेरा बर्थडे है, मैं जैसे मनाना चाहूँ मुझे मनाने देना। इन्होंने कहा ठीक है मना लेना। तो इन्होंने सोचा कि शायद ये मूवी जाएगी, रेस्टोरेंट में जाएगी, लेकिन थोड़ी देर बाद मेरे को लगा कि भी इनको ना झूठ नहीं बोलना चाहिए, सच बता देना चाहिए। थोड़ी देर बाद मैं इनके पास गई, मैंने कहा ऐसा है कि आपने मेरे को प्रॉमिस दिया है आज हम शाम को ना नूतन के गुरुजी के पास जाएंगे और वहीं लंगर करेंगे। कहते तूने ना प्रॉमिस लेके मेरे को फंसा दिया है, अब मैं आज जाऊंगा, आज के बाद नहीं जाऊंगा। मैंने भी मन में सोचा कि मैं भी तो उसको खुश करने के लिए जा रही हूँ, मैंने कौन सा दोबारा जाना है। और हम लोग आंटी को फोन करने लगे, आंटी को फोन किया, कहने लगे कि भी आज शाम को हम गुरुजी के पास चलेंगे। थोड़े मेरे डाउट्स थे वो भी मैंने क्लियर करे कि भी हम जा सकते हैं, ऐसे में के लिए जा सकते। कहते नहीं गुरुजी का कोई वहम नहीं होता, आप आ जाओ। लेकिन गुरुजी के गद्दी पे बैठने से पहले हमें वहां होना चाहिए, जैसे एक टीचर के आने से पहले स्टूडेंट क्लास में होने चाहिए, वैसे ही जब गुरुजी का टाइम होता है बैठने के, जैसे आज आपको टाइम दिया गया है, तो हमें पहले आना चाहिए गुरुजी के आने से पहले। तो ये मुझे उन्होंने सिखाया। मैंने कहा ठीक है, मैं जिस समय आप बता रहे हो मैं आपके घर के बाहर कार लेकर आ जाऊंगी। तो कहने लगे ठीक है। मैं कभी भी सोती नहीं थी दिन में, लेकिन उस दिन पता नहीं क्या हुआ, मेरी गुरुजी की कृपा से आंख लग गई 4 बजे करीब, और मैं सो गई दिन में। सोती हूँ तो मुझे ड्रीम आता है, और मैं छोटे मंदिर जहाँ पे मेरे को गुरुजी के पास जाना था एम्पायर स्टेट, वहां पहुंच जाती हूँ सपने में, और गुरुजी चोले में बैठे हैं, बहुत सुंदर चोला है। और जैसे ही मैं वहां पहुंचती हूँ तो देखती हूँ कि एक ओमकार और ओम लाइट्स से बने हुए हैं, और खुला आकाश है, उसमें गोल्डन ईगल घूम रहा है। तो मुझे बड़ी हैरानी होती है, मेरे को लगता है कि ये वही जगह जहाँ मुझे जाना है। जब मैं सो के उठती हूँ, मैं जल्दी जल्दी मैं इनको तो नहीं बता पाती, लेकिन जब वो आंटी मेरी कार में बैठती है तो मैं उनसे पूछती हूँ कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे गुरुजी बड़े सुंदर चोले में गोल्डन सिंहासन पे बैठते हैं, एक ओमकार ओम लाइट से बने हुए हैं। तो कहने लगी बिल्कुल ठीक, तू तो बिल्कुल सही बता रही है, तू तो अभी गई भी नहीं, तेरे को कैसे पता। मैंने कहा ऐसे मेरे को ड्रीम आया है और उससे मैंने ये सब देखा है। तो कहने लगी तेरे को तो गुरुजी ने दर्शन दे दिए, तू ब्लेस हो गई। और यकीन मानिए मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या ब्लेसिंग होती है, क्या दर्शन है। मैं इसे कोइंसिडेंस समझ के कहीं जा रहे हैं तो सपना आ गया। हम पहुंचे तो गुरुजी वहां सेटी पे बैठे हुए थे, किचन के बाहर सिंहासन पे नहीं बैठे हुए थे। तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि गुरुजी कैसे बैठे हुए हैं, ये तो चोले में नहीं है, तो कैजुअल वेयर्स में बैठे हुए हैं, जॉगिंग शूज पहने हुए हैं, बड़े अच्छे स्टाइलिश। तो गुरुजी ने पूछा कौन है, तो मेरी फ्रेंड बोलेगी मेरी फ्रेंड है कच्ची पक्की, मेरी फ्रेंड बोली पक्की। गुरुजी कहते की कर देने, हमने कहा हम गुरुजी गाना गाते हैं। क्यों जा गा लो, मैंने कहा गुरुजी कैसे बताऊं कैसे गाते हैं हम, आप सुनोगे तो मालूम चलेगा। चंगा फिर बह जा, कितने दा रहने वाला है। तो इन्होंने बोला मैं जम्मू दा रहने वाला। तो मुझे कहने लगे
तू ते माले चंडीगढ़ दे कोल दी सरदारनी है, और यकीन मानिए कि मेरे पैरों से जमीन जैसे खिसक जाती है ऐसे हो गया और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि ये बात कि मैं सिख बॉर्न बेबी हूँ मेरे इन लॉज तक को भी नहीं मालूम था। मैं हिंदू फैमिली में बड़ी बड़ी हुई थी, वही अडॉप्टेड बच्चा थी, सिख बॉर्न बेबी हूँ ये किसी को भी नहीं मालूम था, सिवाय मेरे कुछ स्कूल टाइम की फ्रेंड्स जिनको मैंने कभी शेयर किया होगा, या मेरे हस्बैंड को मालूम है, किसी को भी नहीं पता था कि मैं सिख बॉर्न हूँ। तो गुरुजी को कैसे मालूम चल गया ये मेरे को बड़ी हैरानी हुई। मुझे नहीं मालूम था कि गुरुजी अंतर्यामी है, वो तो सब जानते हैं। जैसे ही हम एंटर करते हैं गुरुजी के दरबार में, तो हमारे तीनों जन्म की फाइल जो होती है वो खुल जाती है। गुरुजी को सब पता होता है कि कौन, क्योंकि उनकी आज्ञा से तो हम यहाँ आ पाते हैं। लेकिन मेरे को समझ नहीं थी, मैं सोचते सोचते बैठ गई कि शायद मैंने नूतन को अपनी फैमिली का कुछ बताया कि नहीं बताया। मैंने कहा ऐसी कोई पर्सनल बात भी नहीं हुई। बैठ गए, मुझे जैसे आज आपको यहाँ पे चाय प्रसाद मिल रहा है वैसे मुझे चाय प्रसाद मिला। और एक बहुत पुरानी प्रॉब्लम थी मेरे गले में, वो चाय प्रसाद पीने के बाद मेरे को लगने लगा कि उसमें राहत मिल रही है। फिर भी मैंने अपना ब्रेन लगाया, मैंने कहा इसमें शायद लौंग है और वो दालचीनी डली हुई है जिससे मेरे को रिलीफ मिल रहा है। मुझे नहीं पता था कि ये चाय प्रसाद जो है वो क्योर है, ये अमृत प्रसाद है, मुझे नहीं मालूम था। वो मैंने पी लिया। उसके बाद हमें लंगर मिला, लंगर में बहुत मिर्च थी जो मुझे अकेले खानी पड़ी, बच्चे जो थे उन्होंने नहीं खाई, और पहले ही गुस्से में मेरी जो है वो आँखों में से धुआं, नाक में से पानी, कानों में से धुआं ऐसा निकलना शुरू हो गया। मेरे को लगा कि शायद यहाँ पे कोई पानी सर्व करने आएगा, अभी मेरी हिचकियाँ ऐसी हो रही हैं, आँखों में से आंसू आ रहे हैं और गाल एकदम जैसे लगता है हीट निकल रही है। तो मैंने गुरुजी की तरफ देखा कि भी कोई पानी मंगाएगा, गुरुजी मेरे को देखेंगे कि मैं इतना रो रही हूँ तो कोई पानी लेकर आएगा, लेकिन पानी नहीं आया। वो गुरुजी मेरी कुछ क्योर कर रहे थे उस लंगर से, तो वो मुझे बाद में समझ में आया। तो जैसे लंगर करके हम तो बाहर से जाने लगे थे, तब हमें मालूम चला कि गुरुजी से आगे लेके जाना होता है। वापिस आए गुरुजी के पास, मैंने मत्था टेका, गुरुजी कहते ऐश करो आंटी। तो मैंने गुरुजी को ऐसे देखा कि भी जो मेरा जीवन अभी चल रहा है उसमें ऐश करने का तो कहीं से कहीं कोई पॉइंट ही नहीं है। शायद गुरुजी को पता ही नहीं कि हमारी स्थिति क्या है, लेकिन आज देखो क्या कर रहे हो, ऐश कर रहे। तो ये फर्स्ट डे गुरुजी ने मेरे को ब्लेसिंग दी। अंकल ने मत्था टेका तो गुरुजी कहने लगे वीरवार मुँह आई तो सवा 5 ग्राम दस सोने दो ओम बना के ले आई। अंकल ने मेरी तरफ देखा, मैंने अंकल की तरफ देखा, हमने कहा लोग ये तो फिर से लुट गए हम, जैसे और बाबा लेते थे वैसे ही। फिर हमने सोचा रस्ते पर हम बात करते चले गए कि भी सोने का ओम सारे संगत से लेते होंगे, अच्छा तभी लंगर चल रहे हैं, सुंदर सुंदर चोले पहन के बैठे हैं, है ना। तो वो नेगेटिविटी हम लोगों के दिमाग में थी, वो हम घर लेकर गए। तो जब आंटी का फोन आ गया नेक्स्ट डे कि सदा को तो बड़ी ब्लेस है, फिर से गुरुजी ने इतनी बातें करी, यहाँ पे 14-14 साल तक लोग आते हैं, गुरुजी उनको ऐसे ऐसे कर देते हैं और चले जाते हैं, हम बात नहीं करते हैं। तो मैंने कहा मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही तो क्या बोल रही है, लेकिन हमारे घर में तो कलेश पड़ा है, हम नहीं जाएंगे दोबारा। कहने लगी पागल है, तेरे को गुरुजी ने इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी है तेरे को जाना है। मैं परेशान, मैंने कहा अच्छा चलो कहीं मन में कोई वहम ना रह जाए, पर पहले ही हमारे इतने पुराने मतलब सब काम नहीं हो रहे हैं, वहम है, तो अगर ये सोने का उम्मीद बनाया तो हमारा और कहीं कुछ पुराना हो जाए, ऐसा वहम मतलब दूर करने के लिए हमने सोने का उम्मीद बनाया झगड़ते झगड़ते। और गुरुजी के पास पहुंचे नेक्स्ट थर्सडे। गुरुजी को हर चीज याद रहती थी कि किससे उन्होंने क्या बात करी है, वो अंतर्यामी थे जैसे हजारों बाल होते हैं ना सर में और हमें नहीं पता होता कितने हैं, लेकिन एक भी बाल खिंचता तो हमारे सर में दर्द होती है ना, ऐसे गुरुजी हैं, उनको हर संगत की पता होती है, घट घट के पटपट के जाने। तो जैसे हम पहुंचे तो गुरुजी ने बोला ले आई, तो हमने कहा हाँ जी गुरुजी, हमने बड़े उदास मन से गुरुजी को ना वो सोने का ओम निकाल के दिया। तो गुरुजी ने हाथ में लिया, हम भी देखते रहे कि गुरुजी मतलब रख लेंगे इसको अपने पास। तो गुरुजी ने इनकी डेट ऑफ बर्थ पूछी और कहने लगे मंडे नु ना काले धागे बिच एनु गले बिच पा ली। हमने दूसरे को देखा, एकदम राहत की सांस ली, अरे ये तो हमें वापस मिल गया। तो हमने हमें लगा कि गुरुजी वैसे बाबा नहीं है जो मतलब सबसे ऐसे लेते होंगे। तो मेरे को लगा कि ये सिंगर है तो इसलिए इनको गुरुजी ने ब्लेस करके ओम दिया है कि नजर वजर ना लगे ऐसे कुछ, मुझे नहीं पता था कि ये क्या ब्लेसिंग है। तो मैंने गुरुजी को बोला गुरुजी मेरे वास्ते, कि शायद गुरुजी को ये नहीं पता कि मैं भी गाती हूँ, तो मैंने बोला गुरुजी मेरे वास्ते भी दे दो ब्लेस करके। तो गुरुजी कहने लगे तो कनेक्शन है।
तो मैंने मन में बुड़बुड़ किया, मैंने कहा देखो श्रद्धा से तो मैं लेकर आई हूँ इनको, और मैं आई हूँ और ये तो मानते भी नहीं है और इनको दे दिया। लेकिन वो क्या थी गुरु जी की लीला, ये तो वही जाने, वो परमात्मा उनको बताया कि भी क्या करना है क्या नहीं करना। तो ये हमारी सेकेंड मीटिंग गुरु जी से थी। और मैं आपको एक छोटा सा सत्संग, सत्संग तो मेरे साथ तो गुरु जी ने बहुत सारी लीलाएं करी हैं, लेकिन चाय प्रसाद का मैं बताती हूँ। शरद पवार जी एक बार आए गुरु जी के पास, उनको पैरालिसिस हो गया था और चाय प्रसाद उनको सर्व की गई तो उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं पी सकता। फिर बहुत इंसिस्ट करने पर उन्होंने आधी चाय प्रसाद ली और आधी छोड़ दी, तो उनका आधा फेस तो ठीक हो गया, आधा ठीक नहीं हुआ। उन्होंने गुरु जी को फोन करवाया कि भी गुरु जी को बोलो कि मेरा आधा फेस ठीक हो गया आधा नहीं हुआ। तो गुरु जी ने कहा कि उस दिन वो पूरी चाय पी लेना चाय प्रसाद, तो उसका पूरा फेस ठीक हो जाना सी, लेकिन उसने अपनी आधी ब्लेसिंग छोड़ दी तो आधा ही हुआ। इसलिए मेरा आपसे ये हाथ जोड़कर विनती है कि जो भी आपको यहाँ प्रसाद मिलेगा, लंगर प्रसाद भी, अगर आप नहीं खा सकते हैं तो किसी के साथ शेयर कर लें, उसको प्लेट में नहीं छोड़ें, चाय प्रसाद की बूंद ना छोड़ें एक भी, ये आपकी ब्लेसिंग है। क्योंकि यहाँ गुरु जी विद्यमान है, ये चाय नहीं है, ये चाय प्रसाद है।